गाइस तो आपको हमारे वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 3.6। तो 3.6 के हम पहले क्वेश्चन के बाद बनाएंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल ज्ञात कीजिए। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व दिया है 1/2x + 1/3y = 2 समीकरण एक, और दूसरा है 1/3x + 1/2y = 13/6। इसमें प्रश्न में ये नहीं बताया कि किस विधि से सॉल्व करें, इसलिए हम किसी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसे लुप्तीकरण विधि से सॉल्व करूंगा। तो लुप्तीकरण विधि में किसी एक पद को बराबर करते हैं, तो मैं इसमें दूसरे ये वाले दूसरे पद को बराबर कर दे रहा हूँ। तो इसलिए समीकरण 1 × 1/2 और समीकरण 2 × 1/3, और दोनों पद समान है तो घटा लेंगे। 1 × 1/2 माइनस समीकरण 2 × 1/3 से। तो जब हम समीकरण 1 में 1/2 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/4x + 1/6y = 2/2, कट जाएगा हमारा आ जाएगा 1। अब ये हो गया हमारा, जब समीकरण 2 में 1/3 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1/9x + 1/6y = 13/18। ये दोनों पद समान हो गया, घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, घटा लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 1/4x + 1/-, यहां पे लिख दे रहा हूं उसको 1/4x - 1/9x = 1-13/18। दोनों पद को घटा लेंगे, हमारा हो जाएगा ये (+4x + 9x = 36x), तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा ये माइनस 4 हो जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा 18-13 और लॉस हमारा 18। तो ये हमारा हो जाएगा 5/36x = 5/18। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे हो जाएगा 180x = 18/95। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा x = 90/180, और इसे कटा लेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा 1/2। अब हम x के मान को अपने समीकरण 1 में रख के निकाल लें या तो 2 में रख के निकाल लें, किसी में भी रख के निकाल सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 है 1/2x + 1/3y = 2। तो इसके स्थान पर x का मान रख देंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2 × 1/2 + 1/3y = 2। 2 से 2 कट जाएगा, बराबर हमारा आ जाएगा 1/1 + 1/3y = 2। ये हो जाएगा 1/3y = 2 - 1/1, भिन्न कटा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/3y और 1 + 1 = 2 - 1 = 2। तो ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1/3y = 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3y = 1 और y का मान हमारा आ जाएगा 1/3, हमारा आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2/√x + 3/√y = 2, 4/√x
एक्स माइनस नौ बटे अंडर रूट नौ तीन बराबर माइनस एक, सॉल्व करते हैं। दिया है दो बटे अंडर रूट एक्स प्लस तीन बटे अंडर रूट वाई बराबर दो, समीकरण एक, और चार बटे अंडर रूट एक्स माइनस नौ बटे अंडर रूट तीन बराबर माइनस एक, समीकरण दो। हम इसे लुप्तीकरण विधि से सॉल्व करेंगे, तो इसमें हम इन दोनों पद को बराबर कर लेंगे, तो इसे बराबर करने के लिए हम समीकरण दो एक में तीन से गुणा कर देंगे ताकि हमारा यहाँ पे नौ आ जाए, नौ बटे वाई आ जाए। तो समीकरण एक गुणे तीन और दोनों के चिन्ह विपरीत है तो उन्हें हम जोड़ेंगे प्लस दो से, तो हमारा ये हो जाएगा छ अंडर रूट एक्स प्लस नौ अंडर रूट वाई बराबर छ, और ये हमारा जाएगा चार अंडर रूट एक्स माइनस नौ अंडर रूट वाई बराबर माइनस एक। तो ये दोनों पद समान है, ये कट जाएंगे माइनस प्लस, और हमारा बचेगा दस बटे अंडर रूट एक्स, क्योंकि दोनों का हर समान है तो जोड़ लेंगे ऊपर वाले को, तो दस हो जाएगा और बराबर हमारा आ जाएगा पांच, प्लस छह में से माइनस एक हटा लेंगे तो पांच हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा पांच अंडर रूट एक्स बराबर दस, अंडर रूट एक्स बराबर दस बटे पांच कट जाएगा, हमारा दो बचेगा अंडर रूट एक्स बराबर दो, और जब हम इस रूट को हटाएंगे तो इधर हमारा स्क्वायर हो जाएगा दो का स्क्वायर, और दो का स्क्वायर होगा तो हमारा एक्स का मान दो गुणे दो बराबर चार आ जाएगा। अब मैं एक्स के मान को या तो समीकरण एक में रख के निकाल लें या तो दो में, तो मैं एक में रख के निकाल दे रहा हूं, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, अब अपने एक्स के मान को समीकरण एक में रखेंगे तो हमारा समीकरण एक है दो बटे अंडर रूट एक्स प्लस तीन बटे अंडर रूट वाई बराबर दो, तो हमारा जाएगा दो बटे अंडर रूट और एक्स का मान हमारा कितना है चार बराबर तीन बटे अंडर रूट वाई बराबर दो, तो हमारा दो और ये रूट हटेगा तो हमारा दो का वर्ग होता है चार बटे दो हो जाएगा बराबर, सॉरी बराबर नहीं होगा यहाँ पे, प्लस होगा तीन बटे अंडर रूट वाई बराबर दो, तो ये दोनों कट जाए, ये दोनों कट जाएंगे हमारा आ जाएगा एक, तो ये हो जाएगा एक प्लस तीन बटे अंडर रूट वाई बराबर दो, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा मान तीन बटे अंडर रूट वाई बराबर दो माइनस एक, तो हमारा ये हो जाएगा तीन बटे अंडर रूट वाई बराबर एक। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में तो हमारा आ जाएगा अंडर रूट वाई बराबर तीन, और जब ये रूट हटेगा तो हमारा वाई का मान आ जाएगा वाई बराबर तीन स्क्वायर बराबर तीन त्रिका नौ, आंसर यानी कि एक्स बराबर हमारा गया चार वाई बराबर। आइए हम अपने तीसरे क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं, हमारा तीसरा क्वेश्चन है चार बटे एक्स प्लस तीन वाई बराबर चौदह और तीन बटे एक्स माइनस चार वाई बराबर तेईस, तो दिया है चार बटे एक्स प्लस तीन वाई बराबर चौदह, समीकरण एक, और दूसरा है तीन बटे एक्स माइनस चार वाई बराबर तेईस, समीकरण दो। लुप्तीकरण विधि सॉल्व करेंगे तो हम किसी इस पद को बराबर करेंगे तो मैं इस पद को बराबर करने के लिए समीकरण एक में चार से और समीकरण दो में तीन से गुणा कर ले रहा हूं, और चिन्ह विपरीत है जोड़ेंगे एक गुणे चार प्लस दो गुणे तीन से, तो जब हम एक में
चार से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 16/x प्लस इसमें इससे गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12y बराबर 14 में चार से करेंगे तो 14 × 56 और हमारा जब समीकरण दो में तीन से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9/x माइनस 12y और इससे इसमें करेंगे तो हमारा आएगा 79। तो ये हमारा माइनस प्लस कट जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा 16/25 / x बराबर 56 और प्लस 79 हमारा हो जाएगा 125। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 125 x बराबर 25 x बराबर हमारा हो जाएगा 25/125 तो होगा 25 × 125 x का मान हमारा आ गया 1/5। अब हम अपने x के मान को या तो समीकरण एक में रख के निकाल लें या तो समीकरण दो में रख के निकाल सकते हैं। तो मैं x के मान को अपने समीकरण एक में रख ले रहा हूं, x का मान समीकरण एक में रखने पर तो हमारा पहला समीकरण है 4/x प्लस 3y बराबर 14 और हमारा जो है 4/1/5 हमारा x का मान है, x के स्थान पर उसे रख देंगे और प्लस 3y हमारा बराबर 14। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, ये भाग के रूप में है तो ये ऐसे हो जाएगा 4×5/1 गुणा के रूप में बोलेगा तो और प्लस 3y बराबर 14 तो हमारा ये हो जाएगा 20 + 3y बराबर 14। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3y = 14 - 20 तो हमारा ये हो जाएगा 3y = -6 तो हमारा y का मान आ जाएगा -6/3 यानी कि -2। इसलिए x बराबर हमारा था 1/5 - y = -2 हमारा आंसर हो गया। तो हम अपने चौथे क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं तो हमारा चौथा है 5/(x-1) + 1/(y-2) = 2 और 6/(x-y - 3/y-2) = 1। तो इसे सॉल्व करेंगे, दिया है तो हमें 5/(x-1) + 1/(y-2) = 2 समीकरण एक और दूसरा है 6/(x-1) - 3/(y-2) = 1। तो इसे समरूपीकरण विधि से सॉल्व करें दो समीकरण दो गया तो इसे समरूपीकरण विधि से सॉल्व करेंगे तो हम किसी एक पद को बराबर कर लेंगे तो मैं इन दोनों पद को बराबर करने के लिए इसमें समीकरण एक में 3 से गुणा कर दे रहा हूं और चिन्ह विपरीत है तो इन्हें हम जोड़ेंगे तो समीकरण 1 × 3 और प्लस 2 समीकरण 2 से तो हमारा समीकरण 1 हो जाएगा 3/15 × x-1 + 3/y-2 = 6 और ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2 6/(x-1) + 3/(y-2) = 1। तो जोड़ेंगे तो ये माइनस प्लस कट जाएगा और ये हमारा बचेगा 21/(x-1) हर बराबर है इसलिए अंश को जोड़ लेंगे और बराबर हमारा आ जाएगा 7 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7x - 7 = 21। तो 7x = 21 + 7 तो हमारा
सात एक्स बराबर हो जाएगा 28, तो हमारा एक्स का मान आ गया 28/7 बराबर 4, तो हमारा एक्स का मान आ गया 4। अब एक्स के मान को समीकरण एक में रख के निकाल लिया, तो समीकरण दो में रख के निकाल लें, एक में रख दे रहा हूं, समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, तो हमारा समीकरण एक है 5/(x-1)+(1)y-2)2। एक्स के स्थान पे एक्स का मान रख देंगे तो हमारा एक्स का मान 4 है, तो हो जाएगा 5/(4-1)+(1)y-2)2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जाएगा 5/3, 4 में से गया 3 और प्लस 1/(y-2)2। तो ये हो जाएगा 1/(y-2)(2-5/3), प्लस में उधर जाएगा तो माइनस। अब इसे हम भिन्न का घटाव कर लेंगे, तो हमारा भिन्न का घटाव हो जाएगा 1/(y-2) और 3 और 1 का लॉस हमारा 3 होगा, 3 6-5, तो हमारा 1/(y-2)2 हो जाएगा 1/3, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा होगा y माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y-2 और 3, तो हमारा y बराबर हो जाएगा 3+2, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 5। तो इसलिए x का मान हमारा है 4 और y बराबर 5 हमारा आंसर। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है 7x-2y/xy=5 और 8x+7y/xy=15। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा वाला है 7x-2y/xy=5। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई के रूप में, तो इसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 7x-2y=5xy। अब हम क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों में xy से भाग दे देंगे ताकि हमारा ये xy कट जाए, दोनों पक्षों में xy से भाग देने पर, तो हम एक्स वाई से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो हमारे ये समीकरण के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, तो ये हो जाएगा 7x/(x-y)-2y/(xy=5xy/(xy)। तो ये एक्स वाई कट जाएगा और इसमें से y कट जाएगा और इसमें से हमारा x कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या 7/(y) और -2/(x) और -5, ये हमारा एक समीकरण प्राप्त हो गया। इसी तरह हमारा दूसरा है 8x+7y/(xy=15, इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 8x+7y=15xy। अब हम इसके में भी दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग देंगे, दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग देने पर, तो हमारा ये हो जाएगा 8x/(xy)+7y/(xy=15xy, तो हमारा यहाँ भी xy से xy कट गया और यहाँ से y कट गया और ये x कट गया, तो हमारा ये भी बचा 8/(y+7/x
बराबर 15, ये भी हमारा एक समीकरण के रूप में दो, समीकरण दो प्राप्त हो गया। अब हम इसे लुप्तीकरण विधि से हल कर लेंगे, तो समीकरण इन दोनों पद को बराबर करेंगे तो समीकरण एक में 7 त्रिगुणा और समीकरण दो में 2 त्रिगुणा। तो समीकरण एक, समीकरण एक गुण है 7 और दोनों के चिन्ह विपरीत है तो जोड़ लेंगे, प्लस समीकरण दो गुण है 2 से, तो गणित में जब 7 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49 बटे वाई माइनस 7 गुना 14 बटे एक्स बराबर 35। और जब हम समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा होगा 16 बटे वाई प्लस 14 बटे एक्स बराबर 30। तो हमारे ये माइनस प्लस कट जाएगा, दोनों पद बराबर हैं, और हमारा ये हो जाएगा, सॉरी 65 बटे वाई बराबर 65। तो यहां से हमारा वाई बराबर आ गया 65 बटे 65 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा वाई का मान 1। अब हम अपने y के मान को समीकरण एक में रख के निकाले या समीकरण दो में रख के निकाले, समीकरण एक में रख के निकाल दे रहा हूं, y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो हमारा समीकरण एक है 7 बटे वाई माइनस 2 बटे एक्स बराबर 5। तो y के स्थान पर y का मान रख देंगे तो हो जाएगा 7 बटे 1 माइनस 2 बटे एक्स बराबर 5। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस 2 बटे एक्स बराबर 5 माइनस 7 बटे 1। तो इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 2 बटे एक्स बराबर 5 माइनस 7 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा माइनस 2 बटे एक्स बराबर माइनस 2 बटे 1, माइनस माइनस कट जाएगा, बराबर के दोनों तरफ है इसलिए हमारा हो जाएगा 2x बराबर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, तो हमारा x का मान आ गया 2 बटे 2 कट जाएगा 1। तो हमारा y का भी मान 1 आ गया और एक का मान भी एक, x का मान भी 1 आ गया, हमारा आंसर हो गया। हम अपने 6वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमारा 6वां क्वेश्चन है 6x प्लस 3y बराबर 6xy और 2x प्लस 4y बराबर 5xy। तो ये सेम हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह है, इसमें दिया है, तो हमारा दिया है 6x प्लस 3y बराबर 6xy। पिछले क्वेश्चन की तरह जब ऐसे था तो हम दोनों पक्षों में xy से भाग दे दिए थे, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में xy से भाग देने पर, और हम भाग दिए थे तो हमें समीकरण प्राप्त हुए थे। इसमें भी सेम वही कंडीशन होगा, 6x बटे एक्स वाई प्लस 3y बटे एक्स वाई बराबर 6xy बटे एक्स वाई। तो हमारा एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, यहाँ वाई से वाई कट जाएगा, यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या 6 बटे y प्लस 3 बटे x बराबर 6। हमें ये समीकरण एक प्राप्त हो गया। अब हम सेम उसी तरह इसमें भी, तो हमारा ये है 2x प्लस 4y बराबर 5xy, तो दोनों तरफ xy से भाग देने पर, तो जब दोनों तरफ x और y से भाग देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x बटे xy प्लस
चार वाई बटे एक्स वाई बराबर पांच एक्स वाई बटे एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, वाई से यहाँ पे वाई कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, बचेगा हमारा दो बटे वाई प्लस चार बटे एक्स बराबर पांच, ये हमारा समीकरण दो गया। अब हमारे समीकरण एक और दो प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए अब हम इसे मुक्तिकरण विधि से बना लेंगे। तो सेकंड पार्ट को बराबर करने के लिए हम समीकरण दो में तीन से गुणा कर देंगे और समीकरण एक में चार से गुणा कर देंगे और चिन्ह समान है तो घटा लेंगे। तो समीकरण एक गुणे चार और माइनस समीकरण दो गुणे तीन से, तो हमारा हो जाएगा समीकरण जो एक में चार से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा चौबीस बटे वाई प्लस बारह बटे एक्स बराबर चौबीस। और ये हमारा हो जाएगा समीकरण दो में जब तीन से गुणा करेंगे तो छ बटे वाई प्लस बारह बटे एक्स और बराबर पंद्रह, और घटाएं तो चिन्ह प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो सारे तीनों प्लस है तो माइनस हो जाएंगे और हमारा ये कट जाएगा। और ये हमारा बचेगा चौदह में से छ घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा ये अठारह बटे वाई बराबर चौबीस में से, जब हम मतलब चौबीस में से माइनस पंद्रह घटेगा तो हमारा आ जाएगा नौ, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा ये जाएगा नौ वाई बराबर अठारह और हमारा वाई का मान आ जाएगा अठारह बटे नौ, यानी कि वाई बराबर हमारा दो आ गया। अब वाई के मान को समीकरण एक में भी रखे निकाल सकते हैं और दो में भी, तो समीकरण एक में रखे वाई के मान को निकाल ले रहा हूं, समीकरण एक में वाई का मान रखने पर तो हमारा समीकरण एक है छ बटे वाई प्लस तीन बटे एक्स बराबर छ और हमारा वाई का जो मान है वो दो आया है, तो ये हो जाएगा छ बटे दो प्लस तीन बटे एक्स बराबर छ, तो ये हमारा हो जाएगा तीन बटे एक्स बराबर छ माइनस छ बटे दो, भिन्न घटाव के रूप में है तो घटाव कर लेंगे, तो तीन बटे एक्स बराबर ये हो जाएगा दो इक्का सौ दो बारह माइनस छ, तो ये हो जाएगा तीन बटे एक्स बराबर छ बटे दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा छ एक्स बराबर छ, तो एक्स का मान हमारा आएगा छ बटे छ बराबर एक, आंसर हमारा हो गया। सातवें क्वेश्चन को बनाते हैं, तो हमारा सातवां क्वेश्चन है दस बटे एक्स प्लस वाई प्लस दो बटे एक्स माइनस वाई बराबर चार और पंद्रह बटे एक्स प्लस वाई माइनस पांच बटे एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, तो दिया है दस बटे एक्स प्लस वाई प्लस दो बटे एक्स माइनस वाई बराबर चार समीकरण एक, और दूसरा जो है वो है पंद्रह बटे एक्स प्लस वाई माइनस पांच बटे एक्स माइनस वाई बराबर माइनस दो, इस समीकरण दो इसे मुक्तिकरण विधि सॉल्व करेंगे तो इन दोनों पद को बराबर कर लेंगे, तो इसमें हम समीकरण एक में पांच से गुणा कर देंगे और दो में दो से गुणा कर देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा पचास समीकरण एक में जब, तो ये हो जाएगा समीकरण एक गुणे पांच और दोनों का चिन्ह विपरीत है तो जोड़ लेंगे प्लस दो गुणे दो से, तो हमारा आ जाएगा जो समीकरण एक में पांच से गुणा करेंगे तो पचास बटे एक्स प्लस वाई प्लस दस बटे एक्स माइनस वाई बराबर बीस, और ये हमारा हो जाएगा जो समीकरण दो में दो से गुणा करेंगे तो तीस बटे
एक्स प्लस वाई और माइनस 10 बटे एक्स माइनस वाई और बराबर माइनस 4। तो ये माइनस प्लस कर जाएंगे और ये हो जाएगा 80 बटे एक्स प्लस वाई, हर समान है इसलिए हम उसको जोड़ लेंगे और बराबर ये हमारा 16 आ जाएगा। 20 में से माइनस 4 घटाएंगे 16, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 एक्स प्लस 16 वाई बराबर हमारा आ जाएगा 80। तो अब हम ये हमारा मिल गया 16 एक्स प्लस 16 वाई बराबर 80, इसमें से हम 16 पक्षांतर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 80 और 16 पचे 80। तो ये हमारा हो गया एक्स प्लस वाई बराबर 5, इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों पद को एक बार इन दोनों पद को बराबर किए थे, अब इसमें एक बार इन दोनों पद को बराबर करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 15। तो जब हम इन दोनों पद को बराबर करेंगे तो 15 से समीकरण 1 में गुणा करेंगे और 10 से समीकरण 2 में, और माइनस दोनों के आगे समान चिन्ह है प्लस, तो घटा लेंगे माइनस 2 गुणे 10 से। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1 में। अब यहां 15 लिख लेते हैं और यहां 10, तो समीकरण 1 गुणे 15 तो हमारा हो जाएगा 150 बटे x प्लस वाई और प्लस 30 बटे x माइनस वाई बराबर 60। और जब हम समीकरण 2 में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 150 बटे एक्स माइनस वाई सॉरी एक्स प्लस वाई फिर माइनस 50 एक्स माइनस वाई और बराबर हमारा हो जाएगा ये माइनस 20। तो हम समीकरण 1 में से 2 को घटाए हैं तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, कट जाएगा ये दोनों। और हमारा जब बचेगा क्या, तो इसको यहां पर लिख लेते हैं, बचेगा हमारा 80 बटे एक्स माइनस वाई बराबर 80। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू 80 और बराबर हमारा हो जाएगा 80, 80 80 कट गया एक बचा, तो एक्स माइनस वाई बराबर हमारा आ गया 1, एक्स माइनस वाई बराबर 1 आ गया, इसे हम समीकरण 4 मान लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, 3 और 4 का प्रयोग करके इसे लुप्तीकरण विधि से सॉल्व करेंगे, हमें 2 और 1 समीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए इसे हम इधर मिटा दे रहे हैं। तो समीकरण 1 और 3 और 4 में तो आप देख सकते हैं ये दोनों पद बराबर दिए हैं, हालांकि ये भी पद बराबर दिए हैं, तो इसका एक प्लस है और इसका माइनस है, तो हम किसी भी पद को लेके इसमें निकाल सकते हैं लुप्तीकरण विधि से। तो मैं लिख देता हूं समीकरण 1 प्लस 2 से, सॉरी समीकरण 1 प्लस 2 से नहीं, समीकरण 3 और प्लस 4 से। तो हमारा समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर 5 और 4 है x माइनस वाई बराबर 1, तो हमारा ये माइनस प्लस कट जाएगा, ये बचेगा 2x बराबर 6, तो हमारा x बराबर आ जाएगा 6 बटे 2, तो x का मान हमारा आ गया 3। तो हमारा y का मान समीकरण 1 में रख के निकाले या तो समीकरण 2 में रख के निकाले, सॉरी फिर 1 2 बना हूं 3 में रख के निकाले या तो 4 में रख के निकाले, तो मैं समीकरण 3 में रख के निकाल दे रहा हूं। x का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हमारा जो समीकरण 3 है वो है x प्लस वाई बराबर 5, x के स्थान पे x का मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई बराबर 5, तो हमारा y बराबर आ जाएगा 5 माइनस 3
बराबर दो, हमारा आंसर हो गया x का मान हमारा 3 आया है और y का मान 2। तो हमारा जो आठवां क्वेश्चन है वो सेम सातवें क्वेश्चन की तरह है, तो आइए हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा आठवां क्वेश्चन है 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4 और 1/2 × 3x + y - 1/2 × 3x - y = -8। तो लिखेंगे दिया है, तो पहला समीकरण जो है वो हो जाएगा 1/3x + y + 1/3x - y = 3/4, ये समीकरण एक हो गया। और जो दूसरा है वो हो जाएगा 1/2 × 3x + y - -1/2 × 3x - y = -1/8। तो हम इन दोनों में से माइनस एक कॉमन ले सकते हैं, इसे कॉमन कर लेंगे 1/2 × 3x + y - -1/3x - y = -1/-8। तो ये 2 से 8 चार बार में कट जाएगा, तो हमारा बचेगा कितना 1/3x + y - 1/3x - y = -1/4। ये हमारा समीकरण 2 गया। अब हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों पद को ले लेंगे और दूसरी बार इन दोनों पद को लेंगे अपने अपने क्वेश्चन साथ की तरफ। तो लिखेंगे दोनों पद बराबर हैं और चिन्ह विपरीत है, तो ये क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो समीकरण 1 + 2 से, तो हमारा जो समीकरण 1 है वो है 1/3x + y + 1/3x - y और बराबर कितना है 3/4। और जो हमारा दूसरा समीकरण वो है 1/3x + y - 1/3x - y = -1/4। तो हमारे ये दोनों पद कट जाएंगे और ये हमारा बच जाएगा 1/3x + y, ये हो जाएगा 2/3x + y, और समान है इसलिए उसको हम जोड़ लिए हैं। और ये बराबर हमारा हो जाएगा 3/4 - 1/4, घटा लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2/3x + y = 3 - 1/4। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3x + y = 2/4। 2 से 1 कट जाएगा, 1/2 हमारा 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जाएगा 3x + y = 4। हमारा समीकरण 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पद को ले लिए, अब हम इन दोनों पद को लेंगे, तो फिर लिखेंगे समीकरण 1 और दोनों के आगे हमारे समीकरण इन दोनों पद के आगे प्लस है इसलिए समान चिन्ह है तो घटा लेंगे और 2 से, और ये हमारे समीकरण दोनों बराबर दिए हुए हैं तो इसलिए हम जब इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारा समीकरण 1 हो जाएगा 1/3x + y और प्लस 1/3x - y = 3/4, और ये हो जाएगा 1/3x + y - 1/3x - y और बराबर कितना हो जाएगा -1/4, घटा लिया है इसलिए प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हमारा माइनस प्लस ये दोनों पद कट जाएंगे, ये दोनों कट गए और हमारा बचेगा कितना 2/3x - y, हर समान है और प्लस प्लस है इसलिए अंश को जोड़ लिया है, और ये हमारा बचेगा कितना
चार बटे चार कट जाएंगे, एक हमारा बचेगा। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - y बराबर हमारा आ जाएगा 2, समीकरण 4। तो अब हम सातवें क्वेश्चन लिख रहा 3 और समीकरण 4 का प्रयोग करके अपने x और y के मान को निकालेंगे, तो इसे हम लुप्तीकरण विधि से बनाएंगे। तो हमारा दूसरा पद है वो समान दिया हुआ है, हालांकि तीसरा भी पद समान दिया है, किसी एक को लेकर हम बना सकते हैं। तो समीकरण 3 + 4 से, तो हमारा समीकरण 3 है, 3x + y = 4, और समीकरण 4 है हमारा 3x - y = 2। तो ये हमारा कट जाएगा, बचेगा 6x = 6। तो हमारा x बराबर आ जाएगा 6/6, x का मान हमारा 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक x का मान 1 समीकरण 3 में रख के निकाल ले या तो 4 में रख के निकाल ले। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो मैं समीकरण 3 में x का मान रख के बना दे रहा हूं, तो समीकरण 3 हमारा है 3x + y = 4। तो x के स्थान पे x का मान रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 3 × 1 + y = 4। तो हमारा y बराबर हो जाएगा 4 - 3 = 1। हमारा x का मान आ गया है कितना 1, और y का मान हमारा 1 आ गया, हमारा आंसर हो गया।